वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपका वीबीएस पीयू यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएड का पहले सेमेस्टर का पेपर है, और पेपर है ये तीसरा थर्ड पेपर है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग यानी कि अधिगमकर्ता अधिगम एवं शिक्षण का मनोविज्ञान। ये आपका तीसरा पेपर है जिसका कोड है 103, और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से है, 2019 का पेपर है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर देख के जाया करिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि पहला पेपर और दूसरा पेपर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, अगर नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर दूसरा पेपर मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे के सारे पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 90 नंबर का पेपर है बाकी पेपरों की तरह। अब यहाँ पे देखिए नोट लिखा गया है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देशानुसार सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए है, खंड अ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी प्रश्न। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द तक आप उत्तर दीजिए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 10 पार्ट हैं, 10ों के आंसर देने हैं आपको, कोई ऑप्शन नहीं इसमें, 10ों के 10ों के आंसर देने हैं, और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो ये सेक्शन हो गया आपका 20 नंबर का। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन है हु प्रोपोंडेड द क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी यानी कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास किसे कहते हैं। 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। 4th क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया का क्या अर्थ है। 5th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 5th क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक, व्हाट इज टाइप ऑफ थिंकिंग यानी कि चिंतन के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान से देखिए, 6th क्वेश्चन है डिफाइन मेमोरी यानी कि स्मृति को परिभाषित करें। 6th क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं हम 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है ये, डिफाइन क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का को परिभाषित करें। अब उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर है, डिफाइन इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को परिभाषित करें। उसके बाद है नीचे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता किसे कहते हैं। और लास्ट में 10वां क्वेश्चन है, पहले पार्ट का 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लो लर्नर यानी कि पिछड़े बालक का क्या अर्थ है। ये हो गए आपके पहले क्वेश्चन का 10ों का 10ों पार्ट दिखा दिया मैंने, अति लघु उत्तरी प्रश्न आपने देख लिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ यानी कि खंड ब, जो कि आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें देख लीजिए लिखा गया, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स यानी कि सभी क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, और सभी क्वेश्चन जो हैं आपके वो 200 वर्ड का है, 200 यहाँ पे टोटल यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो 200 नंबर का है, 200 वर्ड का है, इसको ध्यान से आप लोग लिखिएगा। और सभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा यानी कि 5 क्वेश्चन जो है, 5ों क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन मिलेगा यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक करना है। पहला इसमें देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्रिटिकली एग्जामिन थर्नडाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि थर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों को की विवेचना कीजिए। ये हो गया पहला, दूसरा क्वेश्चन का पहला भाग। और दूसरा भाग है यहाँ पे देखिए, दूसरा भाग है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड पीरियड यानी कि बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरफ है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग बिहेवियर यानी कि अधिगमकर्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग यानी कि चिंतन की विशेषता क्या है। 4th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज अ को लर्नर यानी कि सह अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
छठवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी, यानी कि स्मृति को विकसित करने की युक्तियों के प्रकार कौन से हैं। और ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि सांवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ये आपका पूरा का पूरा हो गया आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, जो कि है आपका खंड स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, नोट लिखा गया, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, यानी कि दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, दो क्वेश्चन करना है 30 नंबर का। ये सेक्शन है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। सातवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विद appropriate examples, यानी कि स्किनर के अधिगम सिद्धांत की सौदाहरण यानी कि उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग, डिस्क्राइब डिफरेंट स्कोप्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगम क्या है, अधिगम एवं शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करें। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये IMP। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये है आपका नौवां क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको आप नोट कर लीजिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दसवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दसवां नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस द यहाँ पे गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके बाद यहाँ पे देख ले लिखा गया गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा करें। लास्ट में है 11 नंबर का क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ए है डिसलेक्सिया, इसको डिसलेक्सिक्स भी कहते हैं, और दूसरा है इंटरेस्ट यानी कि रुचि। ये आपका टोटल आपका पेपर हो गया, यहाँ पे पेपर आपका समाप्त होता है। एक टिप्पणी 7.5 नंबर का, दूसरा टिप्पणी करेंगे तो 7.5-7.5 दोनों को मिला के 15 नंबर का ये क्वेश्चन, 11 नंबर का। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आपके बीएड से संबंधित आपको लेसन प्लान चाहिए, माइक्रो टीचिंग से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, आप लोगों की हेल्प करूँगा मैं। जो भी आप लोगों को नेसेसरी चीज़ें होंगी बीएड से जुड़ी हुई, चाहे वो सुपर टेट की क्लासेस आपको लेनी है, यूपी टेट की क्लासेस लेनी है, सीटेट की क्लासेस लेनी है, या फिर आपको बीएड से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो आपके नोट्स से संबंधित हो, या फिर आपके लेसन प्लान से संबंधित हो, या आपके बीएड से संबंधित कोई भी प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ें हों, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं एक दिन से दो दिन के अंदर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके आप तक वो वीडियो बना के पहुँचा दूँगा सोल्यूशन के रूप में। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।